मियाँ की दी हुई। अच्छा हाँ, वो मैं बता रही थी अभी कि फैसल सर्दियों में ना, या वैसे कहते हैं कंफर्ट बड़ा ज़रूरी है ना, तो सर्दियों में हुडीज़ का उन्होंने मुझे बड़ी दिलाई कि जी कपड़े शलवार कमीज तो चलो समर की चीज़ है, ये हुडीज़ पहना करो ताकि मैं बेबी लगूँ ना, क्यूट लगूँ, मुझे लगा। तो ही गॉट मी दिस, मेरे पास हर साइज़ की, पता है, फिर और लंबी हो, कंफर्टेबल हो। शॉर्ट मैं वैसे पहनती नहीं शुरू से, कि इजाज़त नहीं थी घर में, तो वो एक आदत बनी हुई है, तो वो ढूंढ रहे होते हैं कि लंबी शॉर्ट्स हो, ये क्या कहते हैं, ये हुडी हो, शॉर्ट्स हो। वाह, तो ये भी, ये कितनी क्यूट है, कितनी अच्छी है, ये बहुत मजे की है। लेकिन ये आपने यहाँ से तो नहीं मिली होगी, अमेरिका वगैरह से मिली होगी, लेकिन बहुत क्यूट है। हाँ, बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत अच्छा है, इसमें मैं बहुत प्यारी लगती हूँ। तो हुडी कॉन्फिडेंस सर्दियों का तो नहीं है ये, सर्दी कराची की सर्दियों में यही ठीक था। अच्छा। ये ठीक था कराची के लिए, क्योंकि हम इस्लामाबाद के, हमें तो वैसी सर्दी नहीं लगती, इतनी सर्दी की आदत है, हमारे लिए ये सही है, बेस्ट है, ये सही है। ये कितनी मजे की ये है, देखो जरा, वाओ, है ना, मजेदार। और हुडी मस्ट है, और मुझे सर पे जरा सर्दी लगती है। मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं एक्चुअली, वैसे व्लॉग ना तुम शोज में नहीं पहनती, देखोगी ना, मैं देखती हूं, उनके फॉलो करती हूं, पहनी भी होती है, मैंने सब्सक्राइब किया है मैंने। ये देखिए इस तरह की, ये कुछ है तो कंफर्टेबल होती है, और वो कहते हैं बस कैजुअल घर में ना, या बाहर भी जाओ, रिलैक्स रिलैक्स, ऐसे बन ठन के ना जाया करो, रिलैक्स जाया करो। तो ये मैंने बहुत, क्या टीवी पे हम लोग इतना तैयार होके मेकअप वगैरह करके ना, हम लोग तंग आ जाते हैं, तो इसलिए जब हम आम तौर पे बाजार वगैरह जाते हैं तो हमें कंफर्ट लेवल चाहिए कि क्या पहने और क्या, वो पता आदत इतनी, लेकिन निदा हो जाती है कि फिर आप दूसरे कपड़े पहनते हो, आप काटते हैं है ना, जल्दी इसको चेंज करूं, अपनी हुडी में आऊं, अपने पजामाज में आऊं, कंफर्टेबल फील होते हैं। सो वो ये बहुत अच्छा आइडिया है हस्बैंड्स के लिए, कि जिनको शिकवा होता है कि उनके दिए हुए गिफ्ट बीवियों ने रख दिए हैं संभाल के, पहनती तो होनी क्या फ़ायदा। तो ये वाला एक टिप है कि ऐसे गिफ्ट दें कि बस ये हुडी शुडी, ये वो जो जो भी वो पहनती हैं, उनकी रोज़मर्रा के चीज़ें हैं, और उनको पता है तो ये रीज़नेबल है। दूसरा, बहुत सारी, क्योंकि टाइम ऐसे थे 90s में 2000 में पेंट शर्ट पहनना या ये वो एक जॉइंट फैमिली में अच्छा नहीं समझा जाता था। अब आपकी बेगमात थोड़ी बड़ी हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, आप लोग इंडिपेंडेंट हो गए, अब अपनी बेगमात तो कहें कि यार तुम पजामा शर्ट पहना करो, इतनी खुश होती हैं लेडीज। मैं कुछ अभी देखा औरतों ने जो अब शुरू किए हैं 40s में जीन्स पहनना, पजामे शर्ट लगती हैं, और यंग लगती हैं, और हस्बैंड्स को अब फॉर सम रीजन आई थिंक एक्सपोजर भी अब इतना हो गया लोगों का, अब हालात पाकिस्तान में डिफरेंट, ऐसे नहीं करके देखते। तो अब आप अगर अपनी बेगमात को कहें ना, एक तो आपको खर्चा भी कम आएगा और वो बड़ी खुश होंगी, उनको पजामाज ला के दें, उनको ऐसी हुडीज ला के दें, दिल भी वेरी हैप्पी। आई थिंक बिल्कुल, और ये लंबी है तो वो अनकंफर्टेबल भी नहीं होगी, जिसको आदत नहीं होती ना, वो अगर पहली दफा पहने तो थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन लंबी है, कवर्ड है, तो वो लाइक उनको प्रॉब्लम नहीं होगी।